में मनन कर रहे थे अधिकार के बारे में, कितने लोगों के याद है? हालेलुया। अथॉरिटी, बगल वाले को फिर एक बार बोलिए अधिकार। आमेन। पिछला संडे मैं आप लोगों को यह सिखा रहा था कि हमारे हाथ में ये बाइबल रहने से काफी नहीं है, हम विश्वासी होने से काफी नहीं है, मगर हमें ये समझना है कि हम क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू रिकॉग्नाइज अबाउट आवर सेल्फ हु वी आर। हमें ये पहचानना जरूरी है कि हम कौन है। बगल वाले देखकर बोलिए मैं कौन हूं। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? सोचिए मेरे प्यारों, अगर आपको ये पता नहीं है कि आप क्या है, तो आप जो आपको चाहिए या जो आप कर सकते हैं आप वो नहीं कर सकते हैं। यस और नो? फिर एक बार मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, सोच कर देखना कि नेहा एक अमीर या अंबानी का बेटी है और उसको मालूम नहीं है। अंबानी का वो क्या है? बेटी है और उसको मालूम नहीं है। या एग्जाम्पल वो छोड़ दो, दूसरा एग्जाम्पल, उसके पास एक ऐसा एटीएम कार्ड है, बैंक में 1 करोड़ है। कितना है? 1 करोड़ है। बोलो, मुंह से बोलो 1 करोड़, दिल से बोलना 1 करोड़। हमको विश्वास नहीं ना, इसलिए करोड़ बोलते नहीं हम लोग। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप विश्वास के साथ जो बोलोगे वही आपको मिल जाएगा। 100 बोलेंगे तो 100 मिलेगा, 1000 बोलेंगे तो 1000 मिलेगा, 1,00,000 बोलेंगे तो 1,00,000 मिलेगा, 1,00,000,000 बोलेंगे तो। आपको विश्वास कितने का है, आपको विश्वास कितने का है, उतना ही आपको मिलेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो अब सोच कर देखना कि बहन के पास 1 करोड़ रहने वाला बैंक में है और उसका एटीएम कार्ड उसके पास है, मगर उसको उसका पासवर्ड मालूम नहीं है और उसको ये पता नहीं कि उसके अकाउंट में उतना है। और वो एटीएम उसने चावल के डब्बे में ऐसा ही फेंक के रखा, जो चावल सिर्फ 1 किलो का है, या छोड़ दो किसी कोने में फेंक के रखा, और तेल जो है 100 ग्राम है, 1/2 किलो चावल है, और घर में बैठ के रो रही है कि ये चावल खत्म हो जाएगा, ये तेल खत्म हो जाएगा। एक दिन आया वो खत्म हो गया और 10 दिन से वो भूखी है। गलती किसका है? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। हालेलुया। अभी वो भूख में है, ये परमेश्वर की गलती है, शैतान का गलती या खुद उसका गलती है? कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। ये आप क्या है आपको पहचानना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? वापस अपने मोबाइलों को बंद कर दीजिए, अपने बच्चों को अपने पास रखिए। वचन प्रचार करने के टाइम में कोई भी आवाज बीच में नहीं आना चाहिए और आपके वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। फिर एक बार बगल वाले को देखकर बोलिए मुझे मेरे अधिकार को पहचानना जरूरी है। ओके, पिछला संडे हम लोगों ने पहला पॉइंट को ध्यान किया था कि परमेश्वर ने हमें पहला अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर की बेटी है। याद है आप लोगों को? हालेलुया। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं अपने उद्धारकर्ता में, अपने दिल में ग्रहण करते हैं, उन्हें परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के पर विश्वास करने से काफी नहीं है, यीशु को आपके दिल में स्वीकार करना पड़ेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु मसीह को आपके अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। उस समय में आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप यीशु मसीह का बेटा है और यीशु मसीह का बेटी है। और जो यीशु का बेटा है और जो यीशु मसीह का बेटा बेटी है उसकी जिंदगी में कोई कमी कठी नहीं रहेगा। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? कोई आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग मानते हैं कि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, मगर हमारा प्रार्थना भिखारी के जैसा है, हमारा मुंह भी भिखारी के जैसा है।
परमेश्वर का बेटा और बेटी है जो सृष्टि करता है, जिसने मुर्दों को जिंदा किया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जो तुझे अमीर बनाने के लिए वो खुद दरिद्र बन गया, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए भिखारी का प्रार्थना मत करना, दरिद्रता का प्रार्थना मत करना। पिछला संडे बताया ना, हमारे विश्वास लोग प्रार्थना करते, प्रभु मैं दरिद्र हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं गधा हूं, मैं सुअर हूं। प्रार्थना को बदल। जब तेरा दिमाग बदलेगा, तेरा प्रार्थना बदलेगा। जब तू ये तुझे ये समझ में आएगा कि तू यीशु का बेटा है, यीशु की बेटी है, तेरा प्रार्थना बदलेगा, तेरा स्वभाव बदलेगा, तेरा सोच बदलेगा, आमीन, तेरा जीवन शैली बदलेगा। और तुझे ये पता चलेगा कि तू स्वर्ग की है, स्वर्ग का है, और तेरे जिंदगी में कोई कमी घटी नहीं है। अगर है भी, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। वो अपनी अमीरता में मेरे जरूरतों को, इसका मतलब है जब पूरा करने वाला मेरे साथ है तो गरीबता के वजह से मैं डरूंगा नहीं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपनी आईडी को पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो। आप यीशु का बेटा है, आप यीशु की बेटी है, तब जाकर तुम लोग बदल जाओगे, तब जाकर तुम्हारा प्रार्थना जीवन बदलेगा, तब जाकर तुम्हारा सोच बदलेगा। मगर आप परमेश्वर का बेटा और बेटी कब हो जाओगे? नंबर वन, जब आप यीशु को अपने दिल में स्वीकार करोगे, आमीन, उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करोगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? जब आप अपना जीवन यीशु मसीह को दो दोगे, कोई आमीन बोल सकते हैं? नेवी में जो काम करते हैं, ओके, नेवी में जो काम करते हैं, वे लोग अंदर रहते हैं। अंदर जाने के लिए उनको एक आईडी दिया जाता है, और जिसके पास आईडी है वही अंदर जाएगा। यस ब्रदर, हालेलुया। कोई भी आयरा गैरा अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी उसको पकड़ेगा, आईडी पूछेगा। आईडी दिखाने के बाद में कुछ पूछेगा, वो किधर क्या है सब कुछ, उसके बाद में वो अंदर भेजेगा। अगर आपके पास यीशु मसीह का बेटा और बेटी का आईडी चाहिए, तो यीशु मसीह को आपको अपना डैडी बनाना, अपना पिताजी बनाना, अपना परमेश्वर बनाना जरूरी है। वापस मैं बोलना चाहूंगा, किसी आंडू पांडू परमेश्वर का बेटा नहीं बन सकता। वचन सुनने के बाद में भी शराबी परमेश्वर का बेटा नहीं बन सकता। संडे आकर बैठकर मंडे तू मस्त दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तेरे मर्जी के अनुसार तू जिंदगी जी रहा है, और तू ये सोच रहा है मैं संडे जाकर मैं बैठ रहा हूं मस्त आराम से कपड़े इंशर्ट पहनकर, ये भूल जाना कि परमेश्वर तेरी रखवाली करेगा इन आखिरी दिनों में। ये सच्ची वचन है, ये सच्चा वचन है, परमेश्वर सिर्फ अपने बच्चों को ही बचा के रखेगा। हालेलुया। गलीसिया में आइसक्रीम का प्रचार करना नहीं चाहूंगा। जिसका रिश्ता यीशु के साथ सही है, इन आखिरी दिनों में परमेश्वर उसकी रखवाली करेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एग्जांपल, एक बेटा पिताजी के साथ है, पिताजी अमीर है, उसके पास आर्मी का सपोर्ट है, पुलिस का भी सपोर्ट है, मिनिस्टर के भी सपोर्ट है, और उसका बेटा बाप के साथ है। जब उस बेटे में कुछ भी तकलीफ होती है तो कौन बचाएगा? पहला बाप बचाएगा। दूसरा बेटा किसी कोने में, नेपाल के किसी जंगल में है, बाप वो बेटा ही है, मगर बाप के साथ बात नहीं करता, बाप की बातों को नहीं मानता, बाप की बातों को उल्लंघन करता है, और जाकर किसी जंगल में बैठा है। उसके जिंदगी में जब तकलीफ आएगा, क्या पिता उसकी रखवाली कर पाएगा? कर सकता है, करना चाहता है, फिर भी क्यों? सिंपल है, दूर है। जो यीशु के नजदीक है, यीशु मसीह उनके रखवाली करेगा, उनको बचाएगा, उनकी जिंदगी को संभाल के रखेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं?
तेरी मर्जी के अनुसार तू जी रहा है, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहा है, किस तरह परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तो आज पहली बात हमें यह सीखना है, परमेश्वर ने हमें बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है, मगर पहला ये चेक कर लेना तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहना जरूरी है। इन आखिरी दिनों में जब यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने के लिए जा रहा है, कौन सा भी पल यीशु मसीह बीच आसमान में आ सकता है? जी हाँ, क्या क्या समाचार हो रहा है आप लोग खुद टीवी खोलने से आपको मालूम पड़ेगा। हालात कितने बिगड़ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा न्यूज देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम कितने खतरनाक दिनों में आकर खड़े हो चुके हैं। कभी भी कलीसिया यीशु के साथ निकल सकता है। हालेलुया। तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? तेरा प्रार्थना जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है? तेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कैसा है? क्या तूने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है? रोज क्या तू परमेश्वर के साथ चल रहा है? रोज क्या परमेश्वर के साथ तू बातें कर रहा है, अन्य भाषा में बातें कर रहा है? किस तरह है तेरा रिश्ता तेरा पिता के साथ, कि तेरे जिंदगी में जब तकलीफें आए कि वो पिता तेरी रखवाली करे। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर तेरा रिश्ता तेरा पिता के साथ सही है, तकलीफों में तेरा पिता तेरा रखवाली करेगा। नहीं डैडी, मैं 3 साल पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, आज मैं आलसी हो गया हूं, खाता हूं, काम करता हूं, सो जाता हूं, बहुत थक गया हूं। ये बहाने आत्मिक जीवन में नहीं चलेगा। हालेलुया। आप जहां पे काम करते हो उस ओनर को जाकर बोलना, आज मैं बहुत खाया और नींद आ गई, 10 बजे तक मैं सो रही थी, फिर भी मेरा पेमेंट चालू करना। वो बोलेगा मैं तेरा मामा थोड़ी है। कम ऑन, आया ना। हालेलुया। वचन में रूल्स है, रूल्स को तुझे फॉलो करना ही है। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। आज कई विश्वासियों का समस्या क्या मालूम है? अनुग्रह का बहाना ले लेते हैं। थोड़ा सा कान खोलकर आंख को खोलकर सुन लेना। बगल वाले कहते हैं बोला आंख को खोल के कान खोल के सुनो। बोलो नहीं तो कुछ लोग आंख खोलेंगे कान बंद करेंगे, ये डेंजर है भाई। कोई आमीन बोल सकते हैं? सुनो, कई विश्वासी लोग अनुग्रह का बहाना लेते हैं। प्रभु बहुत अनुग्रहकारी है, मैं कैसा भी रहूं प्रभु दया दिखाएगा। आओ सुनो, आज मैं आप लोगों के गहरी बात बताता हूं। अनुग्रह है क्या? नंबर 1 पॉइंट, जिस तरह पिछला बार हम लोगों ने देखा, जिसके हम योग्य नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें उसे योग्य बनाया। ये क्या है? अनुग्रह। अभी अनुग्रह आने के बाद में 2nd पॉइंट याद रख लेना, अनुग्रह आने के बाद में जिसने तुझे योग्य बनाया उसके साथ तुझे रहना है। समझ में आया क्या? समझ में गया? सुनो वापस, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? अनुग्रह, जिसके योग्य हम नहीं है परमेश्वर ने हमें। सेकंड पॉइंट, जिसने हमें योग्य बनाया आपको और मुझे उसके साथ रहना जरूरी है। इसका मतलब है अनुग्रह हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। हालेलुया। ग्रेस विल टेक अस टू क्लोजर टू द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे पर अनुग्रह क्यों दिखाया? कम ऑन, आप लोग बोलिए। आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर हमें अनुग्रह क्यों दिया। बोलिए शीला सिस्टर, अनुग्रह क्यों दिया परमेश्वर ने हमें? हम उसकी योग्य नहीं थे और अनुग्रह क्यों दिया? बोलिए बोलिए बोलिए। समोसा मिलेगा बोलो, आइसक्रीम मिलेगा बोलो, मेरे पास 10 मिनट है। बोलिए, हम पापी थे और वेरी गुड। सुनो, अरे आ रहे जल्दी। ओके, ये विश्वासी है, ठीक है, ये परमेश्वर को नहीं जानता था। हालेलुया। और ये दुनिया में डूब कर फटावा कपड़ा फटावा पहन
दीनता का, एक भुखमरी का जिंदगी जी रहा था। परमेश्वर आया, अनुग्रह दिखाया, हालेलुया, नया वस्त्र पहनाया, खाना दिया, मस्त हैंडसम बनाया। बदला में देखकर बोला, बहुत खूबसूरत है, बोलो। देखा, दूसरों का आदत नहीं दूसरों का तारीफ करना, इसलिए आंख फाड़ के मुंह बगल को देखो, बगल को देखकर बोलो, आप बहुत खूबसूरत है, वेरी गुड। अभी ये खूबसूरती आया कैसा? हाँ जी, किसने दिया? आपके पैसे से कमाया आपने? हाँ जी, नहीं, मैं बहुत प्रार्थना करता था, प्रभु ने मुझे पर दया दिखाई, प्रार्थना से तो प्रार्थना नहीं किया, पहला प्रभु खुद आया तेरे पास। कैसा है? पहला योहन्ना में लिखा हुआ है, प्रेम क्या है? हम नहीं जानते थे, प्रभु के वजह से हमने प्रेम क्या है हमने जान लिया। हालेलुया। इसका मतलब पहला तेरे अंदर क्या नहीं था? प्रेम था। हेलो, सुने यहां पे ठीक से? प्रेम था आपके अंदर नहीं। तू किधर था? किधर की था? है क्या नहीं? कोई आमीन बोल सकते? मगर प्रभु आया, क्या दिखाया? प्रेम दिखाया, अनुग्रह दिखाया, तू जो गटर में गिरा था तुझे उठाया। हालेलुया, कोई आमीन बोल सकते? और तुझे, हेलो सिस्टर, सुन रहे हैं आप लोग? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे, तुझे अपना बेटा बनाया, आमीन, तुझे नया वस्त्र पहनाया, तुझे इंसान बनाया, तुझे हैंडसम बनाया। तू आज तो जितना तो खूबसूरत दिख रहा है ना, ये तेरे वजह से नहीं है, प्रभु का अनुग्रह की वजह से। खुद मैं भी कोई आमीन बोल सकते हैं? ये से प्रभु का अनुग्रह है, पूरा इंडिया में आज परमेश्वर का सेवा मैं कर रहा हूँ। ये से प्रभु का अनुग्रह है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अभी अनुग्रह देकर मैंने इसको मेरे पास लिया। अभी मैंने अनुग्रह क्यों दिखाया? अनुग्रह क्यों दिखाया? हेलो, अनुग्रह क्यों दिखाया? काम आज सपने में है, सपना देख रहे अब बोलो, अनुग्रह क्यों दिखाया? सिंपल है कि ये मेरे साथ रहे, ज्यादा डीप नहीं होगा, ये मेरे साथ तुझे अनुग्रह इसीलिए मिला है कि तू परमेश्वर के साथ रहे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर तू अपनी मर्जी के मुझे अनुग्रह मिला ना, अभी ए महीनों रे आज कई विश्वासी लोग ऐसे कर रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह है जी, मुझे कमाई मिल रहा है, खाना मिल रहा है, मैं बाइबल नहीं पढ़ने से चलेगा। नहीं, अनुग्रह तुझे इसीलिए मिला है कि तू सिर्फ परमेश्वर के साथ रहे। जिस दिन तू परमेश्वर से दूर हो जाएगा, अनुग्रह भी दूर हो जाएगा। उसके बाद में तू पास्टर को बोला, भविष्यद्वक्ता को बोला, वो किधर से भी किसको भी बोला, तेरे जिंदगी में कभी आशीष नहीं आएगा। रिश्ते को परमेश्वर के साथ संभाल के रखना, कोई आमीन बोल सकते हैं? तो प्रार्थना न करेगा, तेरा मर्जी के अनुसार तू जीता रहेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, आलसी पाने तेरे अंदर, और तू ये कहेगा कि मेरे पर परमेश्वर का अनुग्रह है। समस्याओं में तू अकेला रह जाएगा और परमेश्वर का प्रोटेक्शन से तू बाहर हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है लूका 21 में कि वो दिन फंदे के समान तेरे ऊपर आ जाएगा, इसीलिए जागते रहना। वो दिन कैसा आने के लिए जा रहा है? फंदे के समान, फांसी के समान तेरे गर्दन में आने के लिए जा रहा है। वो आखिरी दिन जो समस्या आने के लिए जा रहा है धरती के ऊपर, वो आखिरी दिन जो अकाल आने के लिए जा रहा है धरती के ऊपर, जो लड़ाइयां हो रही है इस समय में, जो हालात है, जो परिस्थितियां बदल रहे हैं, जो क्लाइमेट बदल रहा है, लोगों के अंदर प्यार खत्म हो रहा है, दया खत्म हो रहा है, सबके सब स्वार्थी हो रहे हैं, ऐसे भयंकर हालात धरती के ऊपर आ रहे हैं, उन हालातों में अगर तुझे बच के रहना है, अनुग्रह को संभाल के रखो। हालेलुया, कोई आमीन बोल सकता है? अनुग्रह के नाम से बहाने बनाकर परमेश्वर से दूर का जिंदगी जिएगा, मुश्किलों में कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा।
कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या लिखा हुआ है लूका 21 का और उसका 31 पढ़ेंगे। लूका 21 उसका 31 क्या लिखा? इस रीति से जब ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हाँ 34 पढ़िए। इसीलिए कैसे रहो? बगल वाले को देखकर बोलो सावधान रहो। अब मुझे देखो सब लोग बोलिए प्रार्थना नहीं करने वाले। बोलो यार क्या है? बोलो जोर से बोलो प्रार्थना नहीं करने वाले। क्या रहो? बाइबल नहीं पढ़ने वाले। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए शब्द को। हाँ मस्त खाके दखार मारने वाले, संडे को प्रेयर चुकाने वाले, इधर सफर में जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, या ना मतलब दूसरे गांव में ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेट उठा, रात को भूत आकर सपने में सता रहा था, इसीलिए संडे में आ नहीं पाया, मैं प्रार्थना करूंगा तेरे घर में 7 भूत आ जाए। चाहिए आपको ऐसा प्रार्थना? आज कुछ लोग बोलते हैं हाई भूत काफी है, वो बस हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? वचन क्या बोल रहा है? जोर से बोलो सावधान रहो। आमीन। विश्वास में कमजोर होने वाले पहला अच्छा अभिषेक में था फास्टर, आजकल बाहर गर्मी हो गया है इसलिए अभिषेक ठंडा हो रहा है। पप्पो क्या रहो? आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार का मतलब है आलसी, कुमार मतलब खाना, मतवालेपन मतलब पीना, और इस जीवन की चिंताओं में ये बहुत अच्छा है, अंडरलाइन कर लो उसको। लोग किसमें सुस्त हो रहे हैं? वचन को पढ़ो उधर क्या लिखा हुआ है, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसको पढ़ो। कौन सा चिंता? जोर से बोलो सब लोग मेरे साथ बोले और इस जीवन की चिंताएं, उसमें क्या हो गए लोग? कहीं आप अपने आप के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं? जीवन की चिंताएं, अभी जीवन की चिंता क्या है पढ़ो मत्ती 6:33 32 जोर से जल्दी से मत्ती 6:31-32 इसीलिए चिंता करके हाँ कि हम क्या खाएंगे। बगल वाले देखकर बोलो क्या खाएंगे? हाँ और क्या है? बगल वाले देखकर बोलो और क्या पिएंगे? और आप इसे और बगल वाले देखकर बोलो क्या खाना पीना पहना। आजकल सब लोग इसी में लपेट कर जी रहे हैं। आया ना देखा कुछ लोगों को कितना गुस्सा आ रहा है, आंख फाड़ फाड़ के मुझे देख रहा है। ये मैं ही बोल रहा हूँ कि बाइबल बोल रहा है? खाना पीना और ओके बाहर पंछियों को देखा आप लोगों ने कभी? आप हमारे डांडेली में आना, अपने पैसे से आना, मैं पकड़ में नहीं लेके जाऊंगा ठीक है। और सुबह सुबह मैं आप लोगों को बर्ड वॉचिंग लेकर जाऊंगा पंछियों को दिखाने के लिए। मेरे घर के पीछे भी बहुत खूबसूरत पंछियां आते हैं और मैं कभी कभी पीछे बैठकर उन सिर्फ पंछियों को मैं देखता रहता हूं। इतना खूबसूरत कलर ब्लू ग्रीन इवन ब्लैक जो शाइनिंग है व्हाइट है इतना खूबसूरत मतलब वो खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए कैमरा में लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं। और ऐसा एक पंछी है जो हॉर्नबिल बोलते हैं इतना खूबसूरत। अभी मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं उनको खाना कौन दे रहा है?
उनको कपड़े उतना खूबसूरत आपके जैसा थोड़ी वो मेकअप की जा रहे ब्यूटी पार्लर में जाके आपके जैसा फाउंडेशन लगा के आईब्रो करके है ना, कि जितना काला मट्टी यहां लगा उसको घस घस के निकाल के, और जब वो क्या बोलते हैं वो ब्यूटी पार्लर से जब बाहर आएंगे और उसके ऊपर सफेद कपड़ा ऐसा मुंह के ऊपर ताकि वो सूरज का किरण मुझे ना मिले, ये दे भाई मखार को आज। और मैं उन पंछियों को जब देखा वो धूप में उड़ रहे हैं, हमसे पहले सुबह 5 बजे उड़ जाते हैं, हम सोमवेरी लोग 10 बजे उड़ते हैं। Come on, hallelujah. वो बीज को नहीं बो रहे हैं, खेत में नहीं जा रहे हैं, हमारे जैसा 12 घंटा और तक नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी हमसे ज्यादा तंदुरुस्त है, हमसे ज्यादा खूबसूरत है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। उन पंछियों को फोटो निकालने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे दांडेली में। कभी हमारा फोटो निकाला रोड के जो कैमरा लोग आए, कभी हम इतना बहुत खूबसूरत दिखने थोड़ा हम इतना लगाया पाउडर, इतना फाउंडेशन लगाया, कभी कोई आया कैमरा लेकर बोलो सिस्टर आप क्या दिक्कत है ब्रदर, आप थोड़ा सा फोटो लेते, मैं फोटो नहीं करता, वो आपको देखकर करके मार अच्छा बढ़िया है। Come on, hallelujah. क्या बोलने के लिए कोशिश करना, वो तकलीफ नहीं उठाते फिर भी परमेश्वर उनको खूबसूरत रखा है, वो बोते नहीं है गुड़ाव में नहीं रखते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर उनको खिला रहा है। और खुद यीशु मसीह उस वचन को कहता है, पढ़िए 6, हाँ, क्या खाना क्या पीना क्या पहनना, क्योंकि अन्य जाति के लोग वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अब्बा సాంసా చదువుకున్నాం కానీ వాక్యము చదువుతున్నప్పుడు భయం వస్తుంది, కై బార్ పడా హమ్ లోగోనే అగర్ థోడా ఈ సమయ మే అగర్ ఆప్ థోడా సా ఆంఖ్ ఖోల్ కే కాన్ ఖోల్ కే అగర్ ఇస్ వచన్ కో పడోగే తో బహుత్ గహరీ బాత్ యహాన్ పే లిఖ్ రహా హై, ఖానే కే బారే మే, పీనే కే బారే మే, పెహ్నే కే బారే మే కౌన్ చింతా కర్తా హై। హలో, థోడా పడియే ఉస్ వచన్ కో వాపస్, కౌన్ కర్తే హై, कहना क्या कहेंगे क्या क्यों वस्तुओं की खोज रहते तुम्हारे स्वर्ग किधर है बाबा, ताकि हाँ इसीलिए तुम चिंता करके या ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे क्योंकि। हेलो, कौन चिंता करते हैं कपड़े के बारे में, कौन चिंता करते हैं खाने के बारे में, कौन चिंता कर रहा है पीने के बारे में, कौन चिंता कर रहा है। अगर आप चिंता कर रहे हैं इसका मतलब है आप कौन है, बोलने के पहले सोचकर बोल देना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं नहीं बोल रहा, यीशु मसीह 2023 साल पहले ही ये वचन को बोल दिया है। जिंदगी का टेंशन विश्वासियों को नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनका डैडी उनका परमेश्वर उनका देखभाल करेगा। हालेलुया। तो तेरा मेरा काम क्या है, सिर्फ परमेश्वर के साथ रहना। अनुग्रह क्यों दिया प्रभु ने हमारे ऊपर कि हमें परमेश्वर के साथ रोज परमेश्वर से बातें करना, रोज बाइबल पढ़ना, बपतिस्मा लेकर अपना जीवन पवित्रता के साथ जीना, गंदे काम छोड़ना, विश्वास के साथ जीना, बस डैडी के गोद में रहना काफी है। ये समझ में आ रहा है, ये रिश्ता मालूम पड़ रहा है लोगों को, ये थोड़ा सा वजन है इसलिए उठा नहीं पा रहा हूं मैं, मतलब मैं इसको रहने दे, मतलब ना इसको अगर मैं गोद में लेता हूं ये मुझसे बातें करेगा, मैं इसके साथ बातें करूंगा, ये मुझे देखता रहेगा, मैं इसको देखता रहूंगा, मैं और इसके बीच में कोई भी बीच में नहीं है, और मुझे पता है इसको कभी क्या चाहिए ये मांगने के पहले ही मैं इसके लिए सब कुछ देता रहूंगा। आपके तालियां कितना खंजूस है आप लोग,
विश्वास करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के दिमाग में ये वचन डाले, ताकि ये कलीसिया के लोग फिर नामधारी विश्वासी ना बने मगर परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता निभाए। मेरा डैडी के साथ मेरा रिश्ता, हालेलुया, कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम देखो जब इसके ऊपर अभी शैतान आखिरी दिनों में आने के लिए जा रहा है, वो आकाल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? लड़ाइयां लेके आने के लिए जा रहा है। लेके आने के लिए जा रहा है, यस, भूकंप आने के लिए जा रहा है। ओके, अभी तूफान आएंगे, है ना, बहुत भयंकर भयंकर परिस्थितियां होने के लिए जा रही है। सोचने मत जाना कि नहीं आएंगे, आएंगे, मगर जो यीशु के पर समझे कल पकड़ रहे, मैं मोटा हूं तू भी मोटा रहे, फिर रहे, है क्या नहीं? बहुत नजदीक रहेगा, मुश्किलों में मैं, ये मुश्किल मेरा पीछे रहेगा और मैं इसको संभालता रहूंगा। हालेलुया, कोई आमीन बोल सकता है? तूफान इधर से गुजर जाएगा, आंधी इधर से गुजर जाएगा, कोई आमीन बोल सकते हैं? अकाल आएगा, भयंकर परिस्थिति आने के लिए जा रहे, सोचने मत जाना। कोई भी बचेगा होगी, सिर्फ एकला ही बचेगा, जिसका रिश्ता यीशु के साथ सही है वही बच के रहेगा। आमीन। जिसका रिश्ता यीशु के साथ सही है उसके घर में ही राशन रहेगा। वो दिन अगर तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तेरा सोना गया, तेरा पैसा गया, सब जाएगा, कोई तुझे बचा, ये मैं आत्मा से भरकर बोल रहा हूं, कोई बचा नहीं सकता वो दिन सिवाय यीशु मसीह के। क्योंकि यहां पे वचन कहता है, लूका 21 में आइए पढ़िए, खत्म कर रहा हूं मैं, टाइम हो गया है। लूका 21:31 में, हाँ, वह दिन तुम पर किसके ऊपर आएगा, किसके ऊपर आने के लिए जा रहा है, कौन सा वचन है वो? इसीलिए तुम सावधान रहो, कहां पे? 34, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार मतवालेपन और जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए, और वह दिन, सब लोग बोले वह दिन, भगवान कहते बोलो कौन सा दिन, कौन सा दिन, मतलब कौन सा दिन, वोज मैं बोल रहा हूँ कौन सा दिन, हाँ जी, और कौन सा दिन आने के लिए जा रहा है? मत्ती 24, हाँ वेरी गुड ब्रदर, मत्ती भयंकर दिन, मत्ती 24, क्योंकि जाति पर जाति, हाँ हाँ, वह दिन कौन सा दिन, हाँ वही पांचवा वचन से, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, छठा, हाँ सुनो, वह दिन का मतलब है कौन सा दिन, बोलो लड़ाई, थोड़ा सा अच्छा से याद रख लेना, मैं वचन सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कौन सा दिन, जिसको मैंने रेड में रखा है, तुम लड़ाइयों, वह दिन कौन सा दिन है वो, और लड़ाइयों की चर्चा, और सातवां वचन, हाँ, क्योंकि जाति पर जाति, एक मिनट, वह दिन यीशु ने 223 साल पहले ही बोला कि वह दिन आने के लिए जा रहा है, कौन सा दिन, लड़ाइयां जाति के पर जाति, राज्य के पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीढ़ियों पीड़ाओं का, मणिपुर में जाति के जाति लोगों के ऊपर लड़ाई हुआ इन दिनों में, हालेलुया, राज्य पर राज्य लड़ाई हो रहा है, इसका मतलब है वह दिन जो यीशु मसीह 223 साल पहले बोला वह दिन आ गया है। वह दिन क्या हो गया है, यीशु ने वो दिन आने के लिए जा रहा है, हम वो दिन में खड़े हैं, बदल वाले देखकर बोलो वो दिन में हम खड़े हैं, बोलो, वह दिन में हम खड़े हैं, बोलो, लड़ाइयों के दिन में खड़े हैं, जोर से बोलो, जाति पर जाति लड़ाइयों के दिन में खड़े हैं, बोलो, अकाल के दिन में खड़े हैं, भूकंप के दिन में खड़े हैं,
इसका मतलब है हम वो दिन में क्या हो चुके हैं, हालेलुया। अभी इस दिन में बगलवाले को थोड़ा सा हिलाकर बोलो, थोड़ा सा सुनो सिस्टर, अभी ये दिन में तुझे कौन बचाएगा, तुझे कौन बचाएगा? तू जो 10-15 हजार कमाने के लिए संडे संडे प्रार्थना चुका रहा है, आराधना चुका रहा है, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, तेरा भेद कलीसिया में आता नहीं, तू सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा, तेरा रिश्ते में दरार आ गया है, क्या ये दिन परमेश्वर तुझे बचा पाएगा? अगर बचाना है एक ही है, ये वचन जब मैं गुजरात में बोल रहा था पूरा 15,000 लोग खड़े हो गए आखिर में कि हमें वापस यीशु को हमारा जीवन देना। कोई आमीन बोल सकते हैं? सिर्फ एकला ही बचा सकता है यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कब बचाएगा? जब तेरा रिश्ता यीशु के साथ सही रहेगा। हेलो सिस्टर, समझ में आ रहा है? हालेलुया, कोई आमीन बोल सकते हैं? वह दिन कौन बचा सकता है? यीशु मसीह। किसको बचाएगा? बोले बोले किसको बचाएगा? जिस जो उसके साथ है, जो यीशु के गोद में है, जो यीशु के साथ सही रिश्ता निभा रहा है। तब वापस उस वचन को पढ़कर मैं खत्म कर रहा हूं। लूका 21:31 में आज पवित्र आत्मा थोड़ा सा डिफरेंट हमको लेके जा रहा है, इसीलिए 34 में वह दिन से पढ़ो। और वह दिन क्योंकि सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसीलिए द नंबर वन बोलो, जागते रहना है। जागते रहने का मतलब क्या है मालूम है? मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, इसको रोज परखते रहना है। जागते रहने का मतलब है आप जागे हैं, ठीक है? जागने का मतलब आप आईने के सामने खड़े रहोगे, कहीं किधर लगा है क्या, कपड़ा कैसा है सर, अगर मैं सोता रहूंगा काम काला लगे, गोबर लगे, क्या भी लगे मालूम पड़ेगा मुझे? जागता रहूंगा मुझे मालूम पड़ जाएगा, आईने के सामने जब मैं खड़ा रहूंगा कुछ लगा है मुझे उसको क्या कर लेना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? इन दिनों में कलीसिया जागते रहेगा, सुन लेना, जागते रहेगा, तेरा प्रार्थना जीवन में जागते रहेगा, तेरे विश्वास के जीवन में जागते रहना, सुसमाचार को प्रचार करने में जागते रहना, क्योंकि वो दिन आ गया है, वो दिन आ गया है। अब टाइम नहीं, कलीसिया के पास अब टाइम नहीं है, वह दिन आ गया, अचानक आ पड़े, इसीलिए जागते रहो और हर समय, जोर से बोलो हर समय, मतलब सोमवार को भी, मंगलवार को भी, अपने बेडरूम में भी, बाथरूम में भी, आप किसी के सामने खड़े रहोगे भी, आपको क्या करते रहना चाहिए? करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। समझ में आया? बचना चाहते हैं कितने लोग? वह दिन से कितने लोग बचना चाहते हैं? वह अकाल से कितने लोग बचना चाहते हैं? वह महामारी से कितने लोग बचना चाहते हैं? वो तूफान जो आने के लिए जा रहा है, इस धरती के ऊपर जो भयंकर दिन आने के लिए जा रहा है, कितने लोग बचना चाहते हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? और परमेश्वर किसको बचाएगा? सिंपल है, आज का संडे प्रचार सिंपल है, प्रभु उसी को बचाएगा जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है। सिंपल है, कोई आमीन बोल सकते हैं? आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं क्या रे कलीसिया इस समय में प्रभु को बोलेंगे कि परमेश्वर मेरा रिश्ता तेरे साथ सही होना है, और 1-2-3 मिनट हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। 1 मिनट के लिए सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लो लो कोई नहीं है बस एक तू
तेरे साथ सही होना। वह दिन आ गया है, वो आकाल, वो महामारी, वो भूकंप, वो लड़ाइयां, जाति जाति के ऊपर लोग, मणिपुर में 60 से भी ज्यादा विश्वासी लोग मरे, 40 से भी ज्यादा कलीसिया जलकर राख हो गए, मसीह लोगों के ऊपर सताव आ रहा, मुसीबतें बढ़ रहे हैं, विनाश काल नजदीक आ रहा है, देश देश के ऊपर लड़ाई चढ़ रहे हैं, इज़राइल और चारों ओर लड़ाइयां शुरू हो चुके हैं। कलीसिया वो दिन आ गया है जिसके बारे में यीशु मसीह बोल रहे थे, वो दिन आ गया करीब, वो दिन में आप और मैं जी रहे हैं। इन दिनों में यीशु मसीह खुद कहता है, अगर बचना है तो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में वापस आना है, बचना है तो यीशु के साथ खड़े रहना है, बचना है तो प्रार्थना जीवन में लवलीन रहना है, बचना है तो परमेश्वर के बातों को मानना है, बचना है तो यीशु के गोद में यीशु के चेहरे को देखते हुए रहना है। हल्लेलुया। प्रभु कई बार तेरे बातों का उल्लंघन कर रहा, माफ कर दे, कई बार मैं तुझसे दूर होकर जी रहा, माफ कर दे, कई बार मैं तुझसे परमेश्वर तेरे रिश्ते से मैं दूर होकर जी रहा हूँ, अनुग्रह का नाम लेकर बहाने बनाकर प्रभु मैं गलतियों में, आत्मिक जीवन में, ठंडेपन में, प्रार्थना जीवन में, परमेश्वर आरसी का जीवन में जी रहा हूँ, मुझे माफ कर दे प्रभु, भयंकर दिनों में तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे संभाल सकता है, जब अकाल में मेरे घर में राशन पानी तू ही रख सकता है प्रभु, मेरा रिश्ता तेरे साथ सही रहने के लिए मदद कर यीशु मसीह। मैं रोज बाइबल नहीं पढ़ रहा, रोज प्रार्थना नहीं कर रहा, सही समय पर आराधना में आ नहीं पा रहा, विश्वास में कमजोर हो रहा हूँ, आलसी हो चुका हूँ, मुझे माफ कर दे परमेश्वर। जितना समय मुझे प्रार्थना करना है, जितना तेरे बारे में लोगों को बोलना है, मैं कुछ नहीं कर रहा परमेश्वर, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं सोच रहा हूं कि मैं विश्वासी हूं, मगर परमेश्वर उस रिश्ते में सही रीति से आ नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं कि मेरे पर अनुग्रह है, मगर मेरा रिश्ता तेरे साथ सही रीति से नहीं है, क्योंकि मैं आलसी हो गया हूं, प्रार्थना जीवन में आलसी, बाइबल नहीं पढ़ रहा, प्रभु मुझे माफ कर दे, वो दिन में तो मैं आ ही गया हूं, कौन मुझे बचा सकता है, सिर्फ मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता मुझे बचाएगा, अगर मेरा रिश्ता उस यीशु के साथ सही है तो ही मैं बच सकता हूं, तो मुझे मदद कर कि मेरा रिश्ता तेरे साथ सही रहना है, मुझे मदद कर कि मैं तेरे गोद में, मैं तेरे करीब होकर मैं जी, रोज मैं तुझसे बातें करूं, रोज तू मुझसे बातें कर, अपने जीवन में दिन ब दिन उन्नति पाने के लिए पवित्र आत्मा मदद कर प्रभु, मैं दुनिया के चिंताओं में क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, इन्हीं बातों में मैं आलसी हो गया हूं, सुस्त हो गया हूं प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझे माफ कर। आज कलीसिया के लोग दुनियादारी के चिंताओं में आलसी हो गए हैं, कलीसिया जागने का समय आ गया है, क्योंकि इन दिनों में सिर्फ परमेश्वर तुझे बचा सकता है, इन दिनों में सिर्फ परमेश्वर तेरी रखवाली कर सकता है, ये सोचने मत जाना जो भी तेरे पास थोड़ा पैसा 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 है वो तेरी रखवाली करेगा, इन भयंकर दिनों में सिर्फ परमेश्वर ही हमारा रखवाला है, वही हमें बचा सकता है, वही हमें संभाल सकता है, आखिर में मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता यीशु के साथ कैसा है, प्रभु धन्यवाद, आज का दिन तूने हमसे बातें की, आज का दिन परमेश्वर तो वापस चेतावनी दिया, जाग जाओ, आत्मिक जीवन में जाग जाओ, परमेश्वर के साथ तेरा रिश्ता कैसा है, कलीसिया विश्वासी प्रभु के साथ तेरा रिश्ता कैसा है, क्या रोज परमेश्वर के साथ बातें कर रहा है, क्या परमेश्वर के बातों को मान रहा है, आत्मिक जीवन कैसा है तेरा, समय में अपने आप
होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद प्रभु, तूने वचन से हमसे बातें किया, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं।